राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले में हुआ था और उनका मृत्यु 30 नवंबर 2010 को 43 साल की उम्र में भिलाई छत्तीसगढ़ में उनका मृत्यु हुआ था। वो एमटेक किए थे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से और वो अविवाहित थे। वो एक भारतीय प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वे मृत्यु तक रहे। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। तो राजीव दीक्षित जी अपने भाषणों के जरिए इतने ज्ञान समग्र भारतवर्ष में प्रचार किए हैं, जो कि आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और उनके उद्बोधन में सबसे महत्वपूर्ण है जैविक कृषि या जैविक खेती के बारे में। तो आज हम जानते हैं किस प्रकार जैविक खेती से हमारे भारत में समृद्धि लाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है, इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? एक एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान, गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर। चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं। वो डाल दो 1 किलो, या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो। तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा, और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी,
मिट्टी कहां से लानी है, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद गोबर गोमूत्र दाल का आटा गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है, इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ, परिणाम क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं। और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं, केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है, अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना तो केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और 1-1 लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया।